बुक पूरी नहीं हुई है, बट है ना आपके स्कूल खुल जाएगी ना 27 से, फिर तो आपको स्कूल में पढ़ाया जाएगा आगे का जो भी पढ़ना है। ऑनलाइन क्लासेस में ऑनलाइन पढ़ेंगे अपन। यस चलिए, सब अपना कैमरा ऑन रखो एंड माइक म्यूट रखेंगे। मैं स्टार्ट करती हूँ चैप्टर, सभी चैप्टर्स में ध्यान देंगे। ओके यस, ऑल आर रेडी, शुरू कर सकती हूँ ना मैं? से यस और नो। यस ओके। चलिए, स्वतंत्रता की, और स्वतंत्रता का मतलब होता है आजादी, फ्रीडम जिसे बोलते हैं, अपन जिस चीज से आजाद हो जाते हैं उसे स्वतंत्रता बोला जाता है। इसके बारे में अपनी स्टोरी है, अच्छे से सब लोग ध्यान देंगे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो लास्ट में मेरे को आराम से बता सकता है कि मेरे को ये वर्ड नहीं समझ में आया मैम, ये लाइन मेरे को वापस से समझाओ। ओके चलिए। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ न बताता। वे सब समझते थे कि मैं 9 साल का हूँ इसलिए मैं बुद्ध हूँ, पर मैं बुद्ध नहीं हूँ, धनी मन ही मन बड़बड़ाया। एक धनी नाम का लड़का होता है, उसको पता था, वो आश्रम में रहता था, तो वो एक बड़ी सी योजना बना रहा था। योजना मतलब अपने माइंड में कुछ ऐसी बातें बता रहा था, सोच रहा था मन में कि हमें क्या प्लान बनाना, प्लान बोलते ना अपन जिसे इंग्लिश में, वो ऐसी कोई बड़ी सी योजना बना रहा था, लेकिन उसे खुद को भी नहीं पता था कुछ भी। और वो सब है ना, जो बाकी के लोग थे आश्रम में, वो उसको समझते थे कि वो 9 साल का है इसलिए वो बुद्ध है, पर वो बुद्ध नहीं था। तो धनी मन ही मन में बड़बड़ाना, यानी मन में कुछ बोलना, धीरे धीरे मन में बातें करना। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास। धनी के माता पिता थे, धनी तो आश्रम में रहता था, लेकिन जो धनी के माता पिता थे वो कहाँ पे रहते थे? बड़ी खास जगह जहाँ पे लिख रखा है आपके, देखो अहमदाबाद के पास। वो अहमदाबाद के किसी आश्रम में रहते थे, महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। महात्मा गांधी का अहमदाबाद के पास आश्रम था जिसका नाम था साबरमती, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ओके, तो महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में धनी के माता पिता रहते थे। जब वहां जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे, उस आश्रम में भारत के काफी लोग रहने के लिए आते थे, गांधी जी की तरह ही वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। अपना देश आजाद हुआ था 1947 को, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ कि नहीं हुआ? अपन इंडिपेंडेंस डे जिसको सेलिब्रेट करते हैं वो उसी खुशी में तो सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि अपना इंडिया फ्रीडम हो गया उसी के दिन, है ना? तो गांधी जी इसी चीज के लिए लड़ रहे थे, फ्रीडम देने के लिए, इंडिया को फ्रीडम पाने के लिए लड़ रहे थे, और उसी के साथ सारे लोग भी थे इंडिया के, इसलिए सब महात्मा गांधी के आश्रम में रहना पसंद करते थे, क्योंकि गांधी जी भी भारत के लिए लड़ रहे थे कि उनको आजादी मिल जाए, हम भारतवासियों को, सभी लोग आजादी से रहे। फिर देखो क्या लिखा है, गांधी जी की तरह ये सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। अब वो जो धनी के माता पिता है और भारत के और भी जो भारतवासी यहाँ पे आए हुए थे साबरमती आश्रम में, वो सब वहां पे रुक जाते थे और चरखों पर खादी का सूत काटते। पहले क्या होते थे, चरखा होता था, देखो गांधी जी चलाते हैं, पिक्चर्स में देख रहे होंगे, एक चरखा होता है जिससे धागा बनता है, सूत आती है, एक सूत आता है उसे चरखे की माध्यम से उसे काटा जाता है, तो उससे क्या होता है वो धागा बनता है, धागे धागे को मिला के ही कपड़ा बनाया जाता है। कपड़ा किससे बनता है? धागा से, धागा मिलके कपड़ा बनाया जाता है। तो गांधी जी पहला चरखा चलाते थे, चरखा एक इस तरह की देखो ये होती है मशीन टाइप चलाने के लिए, जिसपे गांधी जी बैठे सूत हाथ में लिए हुए इसको चलाते थे जिससे धागा बनता था, ठीक है? और जब धागा प्रिपेयर होता था तभी कपड़ा बनाया जाता था, पहले थोड़ी बनता था जब पहले धागा ही नहीं प्रिपेयर हो, धागे को प्रिपेयर करके फिर कपड़े को बनाया जाता था। तो वो उसी चरखे पर बैठ के सूत काटते थे, सूत होता है वो जो पतला सा जो धागा टाइप होता है उसको, वो मतलब कच्चा होता है एक तरीके से, पूरा प्रिपेयर नहीं होता है, फिर चरखे के माध्यम से उसको प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है? और गांधी जी तो बहुत ही अच्छे इंसान थे, वो भारत के लिए बहुत ही अच्छा काम करके गए थे, भजन गाते, गांधी जी की बातें सुनते, जो बाकी के लोग थे ना वो गांधी जी की
बातों को सुनते और गांधी जी जो भी भजन गाते उनको भी वो सुनते रहते थे, जो आश्रम में सारे लोग थे। वो साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता था। अब साबरमती में जो जो भी लोग रहते थे ना भारतवासी, वो सब क्या करते थे, एक एक काम करते थे। सब अपना कैमरा ऑफ क्यों कर रहे हो? साबरमती में कोई ना कोई काम रहता, जैसे कोई खाना पकाता, कोई बर्तन धोता, कोई कपड़े धोता, कोई कुएं से पानी लेके आता, गाय और बकरियों का दूध दूहता और सब्जी उगाना। ये सब किसके काम थे? जो साबरमती आश्रम में लोग रहते थे ना, वो अपना अपना ऐसे काम करते थे। कोई खाना बनाता, कोई बर्तन धोता, कोई कपड़े धोता, कोई पानी लेके आता कुएं से, कोई गाय और बकरियों का दूध दूहता और कोई सब्जी लाता खाना पकाने के लिए। अब धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी कौन थी? एक आश्रम में बकरी थी, बकरी का नाम बिन्नी था। यहाँ पे बिन्नी शब्द बकरी के लिए यूज किया गया है आपके। अब धनी था ना, जो धनी भी रहता था, उसके माता पिता भी रहते थे, लेकिन धनी का क्या काम था? बिन्नी की देखभाल करना, यानी बकरी की। अब बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। अब वो बिन्नी थी ना, वो आश्रम में रहती थी, गांधी जी के साबरमती आश्रम में ही बिन्नी बकरी रहती थी और धनी उसी की देखभाल करता था। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। अब धनी हमेशा बकरी की, मतलब वो जो बकरी का काम करता था, बकरी की देखभाल करता था, तो उन दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई थी। तो उनको बिन्नी का काम करना पसंद था क्योंकि वो दोनों तो अच्छे फ्रेंड बन गए थे। अब धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था और धनी उससे बातें किया करता था बकरी से, और वो उसकी फ्रेंड बन गई थी। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं। अब वो जो भारतवासी है ना, बाकी के लोग है, जो धनी के माता पिता और बहुत और भी जो बहुत से लोग आए हुए हैं उस साबरमती आश्रम में, वो सब गांधी जी के पास बैठ के एक कमरे में बातें किया करते थे। और बातें किसी किस चीज के लिए करते थे? स्वतंत्र होने के लिए, भारत को कैसे मुक्ति मिले, कैसे आजादी मिले, उसी बारे में वो बातें करते थे। लेकिन धनी तो छोटा बच्चा था, ये देखो आपके पिक्चर्स में दे रखा है, समझ लो ये आपके जितना ही था। अब उनको इतनी थोड़ी समझती है क्या होता है स्वतंत्रता वगैरह ये सब। तो वो क्या करता था, अपनी बेस्ट फ्रेंड थी ना जो इसकी बीनी बकरी, तो वो उसी से बातें किया करता था, उसी से बातें वो शेयर करता था। तो जब एक बार बकरी को हरी घास खिलाता है और उस बर्तन में जिससे वो बीनी पानी पीती है उसी बर्तन में जब पानी डालता है, तब वो बकरी यानी बीनी को बोलता है कि बीनी कोई बात तो जरूर है, कोई तो बात है, तभी सारे लोग कमरे में बैठ के बातें कर रहे हैं, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बननी जा रही है, मैं सब समझता हूँ। अब वो तो है ना बच्चा है, उसे ये नहीं पता कि ये सब लोग अपने भारत के लिए कर रहे हैं, और वो सोच रहा है कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, कैसा प्लान बना रहे हैं, मैं सब समझ रहा हूँ, कुछ ना कुछ तो बात है, ये हमसे छुपा रहे हैं। बिन्नी के घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वह धनी की बात समझ रही हो। अब जो बिन्नी होती है बकरी, वो धनी की बात समझ रही थी, तो वो बोलती है हाँ कोई तो बात है, तो वो घास खाते खाते ऐसे सिर हिलाती है। धनी को भूख लगी, पूंछी फाड़ती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। अब धनी को भी भूख लग जाती है, तो वो अपनी बिन्नी यानी बकरी को साथ में लेके रसोई घर की तरफ चलता है कुछ खाने के लिए। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। पहले के समय में ये गैस नहीं होते थे, अभी तो कितना आराम हो गया है, सबके गैस हो गए हैं, इजिली स्टार्ट हो जाता है। पहले चूल्हे होते थे, तो वहां से पहले जो अपने थे ना बाहर से लकड़ियां वगैरह जंगल से काट कर लेके आते थे, उसी के माध्यम से चूल्हे को लगाया जाता था। पहले बहुत ज्यादा मेहनत होती थी, लोग बहुत मेहनत करते थे, चूल्हे में लकड़ियां डाल के फिर उसको लगाते थे, और फिर उसके बाद अपनी माँ पापा जो वहां थी बड़े लोग थे वो खाना पकाते थे। तो उस टाइम की बात, गांधी जी के समय की बात है, तो उस टाइम तो चूल्हा ही था, गैस तो था नहीं, गैस तो अब आया है थोड़े टाइम पहले। तो क्या होता है, जब उस धनी को भूख लगती है तो वो अपनी बीनी के साथ रसोई घर में चलता है रसोई में खाना बनाने के लिए। तो उसकी माँ है जो चूल्हा फूंक रही थी, जब चूल्हा है ना चूल्हे में आग लगानी होती है, तब एक किसी सहायता से वो क्या करते हैं, फूंक मारते हैं ऐसे, जिससे क्या होती है चिंगारी लग जाती है, चिंगारी लगने से चूल्हे में आग लग जाएगी जिससे खाना पक सकता है। तो वो उसकी माँ चूल्हा फूंकती, और जब चूल्हे पे खाना बनाते तो बहुत ही ज्यादा धुआं होता है, चूल्हे से धुआं बहुत ज्यादा होता है, तो वो चूल्हे पे फूंक मारी थी ताकि चिंगारी लग जाए और आग लग जाए ताकि वो खाना बना सके। तो इसी वजह से वो चूल्हे फूंकते टाइम क्या होता है, कमरे में धुआं भर जाता है। अब वो ना धनी की तो
यस मैम, मैं कह रही थी संडे को भी छुट्टी आएगी। हाँ संडे को छुट्टी है ना आपकी, संडे को तो छुट्टी ही रहती है ऑनलाइन क्लास की। फिर नेक्स्ट आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे से आपके स्कूल ओपन हो जाएगी छोटी क्लासेस के, है ना? क्योंकि इस बार बहुत छुट्टियां आई है ना इसलिए। हाँ बट अभी संडे को तो कभी इस क्लास नहीं लगेगी आपके, 27 से स्कूल्स ओपन हो जाएगी इसलिए। मैम यस मैम, है ना मुझे है ना ऑफलाइन पढ़ना ही अच्छा लगता है स्कूल में जाते ही। हाँ तो अभी आपकी स्कूल ओपन हो जाएगी 27 से, फिर आप आराम से पढ़ना वहां पे, ठीक है? चलिए अपन कंटिन्यू करते हैं, देखिए। ओके मैम। यस अब वो धनी होता है जो रसोई घर की तरफ चलता है अपनी माँ के पास, उसे भूख लगती होती है और उसकी माँ चूल्हा फूंक रही होती है और कमरे में बहुत सारा धुआं भर जाता है। अब वो बोलता है अपनी अम्मा को कि अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसने पूछा। अब वो उसके माइंड में तो वही सारी बातें होती है जो सारे लोग कमरे में बैठ के बातें कर रहे हैं, तो उसके माइंड में वही बातें सेट है। तो वो अपनी अम्मा से पूछ रही है, यानी माँ से क्या पूछ रही है, क्या पूछ रहा है कि गांधी जी कहीं जा रहे हैं क्या, वो सब लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं कमरे में, तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है वो हमसे छुपा रहे हैं। तो खांसते हुए माँ बोली, यानी उसे खांसी आ रही थी तो वो खांसते हुए माँ बोलती है, क्योंकि धुआं फैल जाता है कमरे में इसलिए वो खांसते हुए बोलती है, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। वो सब कहाँ जा रहे हैं, यात्रा करने के लिए जा रहे हैं कहीं बाहर की साइड। तब वो बोलते हैं, धनी बोलता है वापस अपनी माँ से कि यात्रा कहाँ जा रहे हैं, धनी ने सवाल किया। धनी वापस अपनी माँ से पूछता है कि कौन सी यात्रा में जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वो। तो उसकी माँ बोलती है कि समुद्र के पास ही कहीं जा रहे हैं, अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी। अब उसकी माँ बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, कब से सवाल कर रहे हो, समुद्र के पास ही कहीं जा रहे होंगे, इसको थोड़ी पता है इतनी धनी की माँ को इतना। अब वो बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, सवाल पूछना बंद कर दो। फिर क्या होता है, अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। अब वो अम्मा बोलती है कि मुझे परेशान मत करो, मैं मुझे पहले खाना तो पकाने दो, आप कब से सवाल पूछे जा रहे हो, सवाल पे सवाल करे जा रहे हो। अब धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया। सब्जी की क्यारियां, क्यारियां का मतलब होता है जो पौधे, छोटे छोटे पौधे जो ब्लॉक होते हैं ना जिसमें अपन पौधे पेड़ पौधे लगाते हैं धान के, वो बॉक्सेस बने हुए होते हैं छोटे छोटे कि इस बॉक्स में पूरे ये सब इस सब्जी का पौधा लगेंगे, इस बॉक्स में दूसरी सब्जी के पौधे लगेंगे, तो वो ऐसे बॉक्सेस ब्लॉकेज बने हुए होते हैं अलग अलग, आपने खेतों में देखा होगा ऐसे लाइंस करी हुई होगी बीच में बॉक्सेस बने हुए होंगे, उसे क्यारियां बोलते हैं। वहां पर जिस चीज की सब्जी उगानी है उस लाइन में वो बराबर उसी सब्जी की बेल होगी या पौधे लगाए जाएंगे, तो ऐसे ब्लैंक यानी बॉक्सेस बने हुए होते हैं जिसे क्यारियां बोला जाता है, सब्जी की क्यारियां। तो सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया वो धनी होता है, वो सब्जी की क्यारी की तरफ खेत की साइड निकल जाता है जहाँ बुड्ढा बिंदा आलू खोद रहा था। अब वहां पे एक बुड्ढा किसान होता है, वो क्या करता है, आलू खोद रहा था, आलू को देख रहा था, क्योंकि आलू हमेशा जमीन में लगते हैं, जमीन के अंदर की साइड होते हैं आलू बनते हैं, तो उसे वो निकालने की कोशिश कर रहा था। बिंदा चाचा बैठ गया। यस मैम, आलू ही है ना नीचे की वो होती है, वो जड़ी होती है। हाँ आलू की जड़ है ना वो नीचे ही बोई जाती है, और आलू है जो जमीन के नीचे की साइड ही होता है, ऊपरी भाग में नहीं होते, जो बाकी सब्जियां पेड़ पौधे के ऊपर लगती है ना, लेकिन आलू ऊपर नहीं लगते पेड़ पौधे के ऊपर, वो नीचे जमीन पर ही रहते हैं। आलू गाजर मूली ये सब प्याज है ये सब नीचे की साइड होते हैं, जमीन में अंदर की साइड धसे हुए रहते हैं। अब देखो वो जो किसान होता है उसका नाम होता है बिंदा, तो वो जो धनी होता है वो किसान को पूछने के लिए चला जाता है कि बिंदा चाचा, धनी उसके पास बैठ गया। अब धनी उसके पास बैठ जाता है उस किसान की तरफ जो आलू खोद रहा था, आप भी यात्रा पर जा रहे हो क्या, अब वो उससे पूछ रहा है किसान को जो आलू खोद रहा है ना, वो धनी उससे पूछ रहा है कि तुम भी जा रहे हो क्या यात्रा पे। तो बिंदा ने सिर हिलाकर मना कर दिया, वो बोलता है नहीं मैं तो नहीं जा रहा हूँ। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। अब वो धनी के माइंड में सारी बातें आ रही है कि इसे समझ में नहीं आ रहा ये सब चल क्या रहा है, तो वो परेशान होकर उसके माइंड में जैसा सवाल आ रहा है वो उस किसान से पूछे जा रहा है कि भाई ये सब लोग उतावले, उतावले का मतलब है जल्दी में, वो जल्दी जल्दी में किसान से पूछता है
कि सब लोग कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कौन कौन जा रहे हैं, ये सब किसान पूछता है। यस मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है आपको? मैं जोर से ही बोल रही हूँ, देखो आराम से अपना माइक म्यूट करके फिर वापस। मैम अब आ रही है। यस, तो वो उतावला होकर पूछता है किसान को कि कौन जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सब वो किसान को पूछना चाहता है क्योंकि उसे जानना है कि ये सब हो क्या रहा है। फिर देखो आगे क्या होता है, बिंदा ने खोदना रोक दिया। अब वो जो आलू खोद रहा था ना, आलू निकालने की कोशिश कर रहा था ना, वो उसने स्टॉप कर दिया, बीच में ही रोक दिया और कहता है तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। अब वो जो धनी है वो तो अपनी बीनी है, जो बकरी है उसी के साथ चलता है क्योंकि उसकी फ्रेंड होती है, तो उसी को साथ लेके खेत में जाता है। लेकिन बकरी का तो काम होता है घास फूस खाना, खेतों में तो वो सब खराब कर देती है फसलें। तो वो जो बकरी है वो पालक चबा रही थी, उस बिंदा के खेत में जो पालक बोया हुआ था, बेल थी उसकी, वो खा रही थी। तो बिंदा ना अपने उस धनी को बोलता है कि मैं सारे सवालों के जवाब तो दे दूंगा, पहले इस बकरी को बांध दो, ये सारा मेरा पालक चबा रही है, मेरे खेत में नुकसान पहुंचा रही है। अब देखो धनी बिन्नी को खींच कर ले गया। अब जो धनी होता है वो बिन्नी अपनी फ्रेंड बकरी उसको खींच के लेके जाता है और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया, और जो खेत में नींबू का पेड़ लगा होता है उसके पास उस बकरी को बांध देता है। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। अब जो बिंदा होता है जो किसान, वो उसे यात्रा के बारे में बताता है, जो लोग यात्रा पे जा रहे होते हैं उसके लिए। अब वो बोलता है देखो गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की एक जगह पर समुद्र के पास पहुंचे थे। अब उस किसान को सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है और क्या करना चाहते हैं गांधी जी, क्योंकि वो तो बड़े हैं, धनी तो छोटा है ना, तो उसे पता नहीं है। तो धनी जानना चाहता है, तो वो उसको किसान बता रहा है, जो बिंदा नाम है उसका, वो बता रहा है कि सारे लोग दांडी, अंडरलाइन कर लेना ये जो वर्ड्स आ रहे हैं, दांडी नाम की जगह पर समुद्र के पास पहुंच रहा है। गुजरात में दांडी नाम की एक जगह है जो कि समुद्र के पास एरिया में आई हुई है, वहां पे लोग सारे लोग जा रहे हैं, गांवों और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे। अब वो पैदल चल रहे हैं, तो पैदल तो जाने में टाइम लगता है, तो वो गाड़ी के माध्यम से नहीं जा रहे क्योंकि उस समय गाड़ी भी नहीं थी, बस छकड़ा गाड़ी जो होती है ना उस टाइप के थे, बस बैल गाड़ी थी जहाँ पे बैल बांध के पीछे की जगह पे सामान ढोया जाता था, बस उसी तरह की गाड़ियां चलती थी। पहले यहाँ पे कोई कार बस ट्रक ऐसे कुछ भी साधन नहीं थे, तो सब लोग पैदल जा रहे थे, तो पैदल जाने में उनको लगभग महीना लग जाएगा। तो वो बोल रहे हैं कि शहर और गांव से होते हुए उनको पूरा महीना चलना होगा। दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे, तो वो धनी चौंक जाता है कि नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा, नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब वो किसान उसको बोलता है कि ये सब लोग आगे जाके वहां पे नमक बनाएंगे, तो वो धनी चौंक जाता है, वो बोलता है कि नमक बनाएंगे, ये तो किसी भी दुकान में जाके खरीद सकते हैं, इसको बनाने की कहाँ जरूरत आएगी। तो हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा। वो बिंदा बोलता है कि हाँ मेरे को पता है सब दुकान में खरीदा जा सकता है, मिल सकता है। पर बिंदा हंसता है और बोलता है यह महात्मा गांधी जी की एक योजना है, या तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना। अब वो बोल रहा है कि महात्मा गांधी जो भी काम करते हैं वो विरोध को रोकने के लिए उनकी एक योजना होती है कि किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से हमको सफलता मिल सकती है, उसी के हिसाब से वह काम करते हैं। तो उसी काम के लिए वो एक ऐसी योजना बना रहा है जिसमें वह नमक बनाएंगे। तो वो बोलते हैं कि महात्मा गांधी जी की ये एक योजना है, ये तो तुम्हें भी पता है कि विरोध करने के लिए यात्रा पे जा रहे हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई होगी जिसका सॉल्यूशन करने के लिए यात्रा पे जा रहे हैं, ऐसे ही तो कोई जाएगा नहीं ना। तो वो ऐसे पूछ रहा है उस धनी को, तो वो धनी बोलता है हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। अब भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए, उसको भारत को आजादी दिलाने के लिए ही, ब्रिटिश से आजादी दिलाने के लिए ही वो सब ऐसा काम कर रहे हैं। तो वो बोलता है हाँ मैं जानता हूँ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकाले जाते हैं, वहां पे वो लोग सारे इकट्ठे होकर जुलूस निकालते हैं सत्याग्रह के नाम पे जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारतवासी को क्या मिल सके, आजादी मिल सके। इसके लिए सारे गांधी जी और उसके साथी हैं जो भी भारतवासी, वो सब यात्रा पे जा रहे हैं ताकि भारत को आजादी मिल जाए।
पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहा है, ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। अब वो बोल रहे हैं कि यात्रा कर रहे हैं, भारत को स्वतंत्र हो रहे हैं, ये तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें नमक कहाँ से बीच में आ गया, नमक को लेकर विरोध कर रहे हैं, ये इसमें कौन सी समझदारी वाली बात है, वो उससे वापस सवाल पूछ रहा है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। अब वो बोलता है कि धनी, वो अब उसे समझा रहा है वापस कि बिल्कुल आपकी बात सही है, मतलब वो धनी को बोलता है कि तुम्हारी बात ये सही है, इसमें नमक के ऊपर विरोध करने की कहां जरूरत आ रही है। तो वो बोलता है कि तुम्हें पता है हमें नमक पर कर देना पड़ता है, कर यानी टैक्स। हर सामान पे अपन कोई भी सामान खरीदते हैं ना, तो हमें उसके पीछे अपना टैक्स होता है जो कि सरकार वसूल करती है अपने से। चाहे अपन 1 रुपए की टॉफी लाएंगे, चाहे 10 रुपए की टॉफी लाएंगे, चाहे 100 रुपए की टॉफी लाएंगे, उसके पीछे अपने टैक्स जुड़ा हुआ होता है, जो कि टैक्स हमेशा इकट्ठा होके किसके पास जाता है, सरकार के पास। वो सारा कर अपना सरकार वसूल करती है। तो वो पूछ रहे हैं कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है, अगर हम दुकान से नमक खरीदेंगे तो इनके पीछे भी टैक्स होगा जो कि सरकार लेगी। यस रिमूव नहीं करना है, कौन रिमूव कर रहा है, आपको तो मैंने अटेंड किया था। चलिए अब आपको अटेंड कर दिया, अब आपको कोई रिमूव नहीं कर पाएगा। ओके चलिए अपना कंटिन्यू रखते हैं अपन। अब वो धनी से पूछ रहा है, धनी को बोल रहा है कि हमें नमक खरीदेंगे तो नमक पर हमको टैक्स देना पड़ेगा, कर, जिसे हिंदी में बोला जाता है कर और अपन इंग्लिश में बोलते हैं इनकम टैक्स। ओके अच्छा, धनी हैरान रह गए। अब वो धनी ऐसे हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है, वो बोलता है अच्छा नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया। अब वो बोलता है कि अगर नमक पे टैक्स देते हैं तो इसका मतलब है जो गरीब से गरीब लोग भी होते हैं उनको भी टैक्स देना पड़ता है, क्योंकि जो भी सामान खरीदेंगे उसके पीछे टैक्स होता है, और वो टैक्स कहाँ जाता है, सरकार के पास होता है। इसका मतलब सरकार गरीब से भी टैक्स वसूल करती है और अमीर से भी टैक्स वसूल करती है, उनके लिए सब बराबर है। अब वो ऐसे समझाते समझाते आगे और बोलना चाहता है। अब देखो वो क्या बोलता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। अब वो बोलता है कि ये तो अन्याय हो गया, गरीब से भी ये लोग कर ले रहे हैं, ये तो गलत बात हो गई। तो उसकी आंखों में गुस्सा आ जाता है, धनी को गुस्सा आ जाता है। हाँ ये अन्याय ही नहीं, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने ये बात ठुकरा दी। अब वो बोल रहे हैं कि भाई ये कर वाला जो है ना, जिसपे कर लगता है, वो अब बोल रहा है कि ये जो कर है उसको हटाने के लिए महात्मा गांधी विरोध कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि भारतीय लोग नमक नहीं बना सकते, उनको मनाही है, नमक बनाने की मनाही है। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। अब जो महात्मा गांधी जी हैं, वो जो ब्रिटिश सरकार के लिए सत्याग्रह का जुलूस निकाल रहे हैं, तभी सारे लोग इकट्ठे होके जा रहे हैं ना समुद्र के पास एरिया में, कौन सा एरिया, दांडी नाम की जगह पे, तो उसी एरिया पे जा रहे हैं ताकि वो लोग ये बात मान सके और कर को हटा सके। लेकिन जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से बात की कि भाई ये कर हटा दो, ये अन्याय की बात है, गरीब लोग भी कर देते हैं लेकिन ये इनके लिए गलत है ना, गरीब लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे जो वो कर दे सके लोग सरकार को, तो वो बोल रहे हैं कि हम सरकार को मना किया था महात्मा गांधी ने, लेकिन उन्होंने तो बात ही ठुकरा दी, महात्मा गांधी की ये बात मानी नहीं ब्रिटिश सरकार ने। अब देखो इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि ये वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। अब वो जो महात्मा गांधी जी है ना, वो गरीब को, हमारे भारतवासी को बचाने के लिए कि हमें ये कर ना देना पड़े, क्योंकि ब्रिटिश सरकार तो मना नहीं कर रही है, कि उनको बोल रही है कि कर तो आपको देना पड़ेगा, लेकिन महात्मा गांधी नीडर होते हैं, वो बहुत ही हिम्मत वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, वो योजना बनाते हैं कि हम लोग जुलूस, जैसे सत्याग्रह का जुलूस निकालेंगे और सारे लोग भारतवासी इकट्ठे होके दांडी नाम की जगह पर जो समुद्र के पास है वहां पर जाएंगे, और पानी से ही नमक बनता है, सबको पता होगा नमक किससे बनता है, पानी से, तो वो पानी खुद ही नमक बनाएंगे, फिर हम लोगों में बांट देंगे, जिससे किसी को कर चुकाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो वो बोल रहे हैं कि तभी तो गांधी जी ने निश्चय किया है कि वे दांडी चले जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। समुद्र के पानी से ही नमक बनाया जाता है, समुद्र का पानी खारा होता है और खारे पानी से ही नमक जल्दी से बन जाता है।
एक महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। अब वो बोलते हैं, वो जो धनी होता है वो उस बिंदर नाम के किसान को वापस सवाल करता है, वो परेशान हो जाता है, तो वो पूछता है कि गांधी जी ऐसे तो थक जाएंगे, सारे लोग पैदल एक महीने तक चलेंगे, वो ट्रेन या बस से क्यों नहीं जा सकते। अब क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। अब वो बोलते हैं कि अगर ये जुलूस के जैसे एक महीने तक पैदल चल के जाएंगे तो लोगों में बातचीत बढ़ेगी ना कि ये सब क्या हो रहा है, लोग जुलूस में इकट्ठे होके कहाँ जा रहे, तो ऐसे ऐसे प्रचलन ज्यादा बढ़ता जाएगा, ज्यादा बातें फैलती जाएगी, तो ज्यादा बातें फैलेगी तो अखबार में भी आएगी, फोटो छपेगी, तो ये सब रिकॉर्ड हो जाएगी और एक ये रिपोर्ट बन जाएगी, तब हम आराम से लड़ पाएंगे और भारत को स्वतंत्र कर पाएंगे। इसी खुशी में वो ऐसे लंबी यात्रा को पैदल करना चाहते हैं। अब वो ऐसे समझा रहे हैं कि अगर वो पैदल जाएंगे तो अखबार में फोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। जैसा मैंने आपको अभी बताया कि वो लोग ये सोच रहे हैं कि अगर हम पैदल यात्रा पे जाएंगे तो सारे लोगों को पता चलेगा, जिससे अखबार में छपेगा, फोटो आएगी, रेडियो पर भी रिपोर्ट बनेगी कि हाँ गांधी जी नमक बनाने के लिए दांडी की यात्रा कर रहे हैं, वो भी पैदल, और जुलूस निकाल रहे हैं सत्याग्रह के लिए और ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए, उन कर की मनाई के लिए जा रहे हैं। लेकिन ब्रिटिश सरकार तो मना नहीं कर रही है, वो तो कर तो बोल रही है कि चुकाना पड़ेगा। तो इसी वजह से गांधी जी जो सोच रहे हैं कि हम खुद ही नमक बनाएंगे, जिससे किसी भी गरीब लोगों को कर नहीं चुकाना पड़ेगा और हम भारत को आजादी मिल जाएगी, तो ये सोचकर ये सब लोग जा रहे हैं। अब ये ऐसे उसको समझा रहा है धनी को। अब ये लोग जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए बड़ी बात शर्म की बात होगी, और ब्रिटिश सरकार को भी समझ में आ जाएगा कि ये गांधी जी ने बहुत ही हिम्मत वाला काम किया है, जिससे ब्रिटिश सरकार को भी शर्म आने लगेगी खुद पे कि मैंने ऐसा काम किया। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना, मतलब अक्लमंद का मतलब है होशियार, चतुर बुद्धि वाला, जिसकी बुद्धि बहुत ही तेज होती है उसे बोला जाता है अक्लमंद। अब गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना, धनी की आंखें चमकी। अब वो जो धनी है वो वापस बिंदा को बोल रहा है कि गांधी जी तो बड़े ही चतुर है, होशियार है ना, वो उसे पूछ रहा है बिंदा को। धनी की आंखें चमकी, बिंदा ने हंसकर कहा हाँ वो तो है ही। अब वो धनी की आंखें चमक जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि अच्छा गांधी जी ने ये काम किया है, इसके लिए वो यात्रा कर रहे हैं, तब तो ये बहुत ही खुशी की बात है, हमारे साथ न्याय होगा, हम भारतवासियों के साथ क्या होगा, अन्याय नहीं न्याय होगा। तो वो इसी खुशी में वो आंखें चमक जाती है, यानी उसकी नजरों में खुशी महसूस होती है बिंदा को। तो बिंदा वापस उसे हंसकर कहता है हाँ यही तो बात है, गांधी जी बड़े अक्लमंद है, बड़े होशियार है, चतुर है, वो बड़ी होशियारी से काम करते हैं, बड़े योजना के साथ। अब दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला, वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। अब वो जब दोपहर के समय आश्रम में थोड़ी देर शांति हो गई क्योंकि सारे लोग जुलूस में चले गए थे उसके लिए, तो अब वो क्या करते हैं, वो अपने पापा को ढूंढने के लिए जाता है कि मेरे पापा जी कहाँ चले गए। तो उसको पापा को ढूंढते ढूंढते देखता है कि वह एक पेड़ के नीचे बैठे हैं उसके पापा जी। किसके पापा जी? धनी के पिता। धनी के पिता पेड़ के नीचे की तरफ बैठे रहते हैं, तो वो उसे ढूंढते ढूंढते वहां पे पहुंच जाता है। वो क्या कर रहे थे धनी के पिताजी? चरखा काट रहे थे, जैसे गांधी जी काटते थे चरखा काट रहे थे। पिताजी क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पे जा रहे हैं? अब वो अपने पिताजी को पूछ रहे हैं, वहां उसके पास जाके पेड़ के नीचे बैठे थे ना उसके पिताजी, चरखा काट रहे थे। तो वो धनी उसको पूछने के लिए जाता है उनको कि पिताजी क्या आप और अम्मा भी जा रहे हैं यात्रा पे? तो धनी ने सीधे काम की बात पूछी, मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। अब वो धनी ऐसे ही बोलता है कि मैं तो जा रहा हूँ, आप दोनों यही रहोगे, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। सॉरी, वो जो धनी के पिताजी है ना वो बोलते हैं कि हाँ मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। अब वो धनी के पिताजी वो बोल रहे हैं कि तुम और तेरी अम्मा यही रहोगे, मैं तो जा रहा हूँ यात्रा पे। तब धनी क्या बोलता है, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। वो बोलता है कि मेरे को भी जाना है साथ में। अब देखो, बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे। अब वो बोल रहा है, धनी तो छोटा बच्चा है, आपके जितना है समझ लो, तो वो इतना थोड़ी चल पाएगा, एक महीने तक यात्रा पैदल करनी कोई हंसी खेल थोड़ी है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है, और ये तो छोटे बच्चों का काम नहीं है, इसमें सारे नौजवान का मतलब है जो बड़े बड़े जवान लोग हैं
वो ही जा रहे हैं तो तुम हमारे साथ मत चलो, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। धनी ने हट पकड़ ली, हट मतलब जिद, वो जिद कर लेता है कि मैं 9 साल का हूं और आपसे तेज दौड़ सकता। अब वो बोल रहा है कि आप ऐसे बोल रहे हो कि आप नहीं चल पाएगा, मैं तो नौजवान से भी बढ़कर हूँ। उसके कहने का मतलब ये है मैं 9 साल का हूँ और आपसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। वो बोल रहे हैं कि मैं तो आपसे भी ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। धनी के पिता ने चरका रोकर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब वो धनी के पिताजी होते हैं, वो चरका काटते काटते रुक जाते हैं और वो अपने बेटे को समझाते हुए आराम से बोलते हैं, धीरज से मतलब बड़ी आराम से बोलते हैं कि सिर्फ वे लोग ही जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। अब वो बोलते हैं कि महात्मा जी जिसको चुनते हैं, जिन्होंने महात्मा जी को चुना है कि ये लोग ही मेरे साथ चलेंगे, वही महात्मा जी के साथ जाएंगे, बाकी लोग नहीं जाएंगे। तो महात्मा जी ने धनी के पिताजी को भी चुना होगा तभी वो उनके साथ जा रहे हैं यात्रा पे। अब धनी तो हट पकड़ लेता है कि मैं भी जाऊंगा, लेकिन उसके पिताजी उसको समझाते हुए बोलते हैं कि जो महात्मा जी ने जिन लोगों को चुना है, भारतवासियों के जो भी आश्रम के जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो ही लोग जाएंगे, छोटे बच्चे और बाकी के लोग नहीं जाएंगे। ऐसा करके वो बोलता है ठीक है मैं ही उनसे बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। अब वो बोलता है ठीक है मैं ही गांधी जी से बात करता हूँ, वे जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। वो पापा जी को बोलता है क्योंकि उसको भी जाना होता है साथ में, उसका भी मन होता है जाने के लिए, तो वो अपने पापा जी को बोलता है कि मैं ही गांधी जी से बात करूंगा, वो हाँ जरूर बोल देंगे। और वो फिर ऐसे कह के खड़े होकर वहां से चला जाता है। अब ये जो आगे का अपन है वो अपन कल करेंगे, अभी टाइम हो गया है अपना। ओके, यहाँ तक की स्टोरी बहुत ही अच्छी थी, सबको इजीली समझ में आई ना, अच्छी स्टोरी थी ना ये। यस, वापस इसको आप रीड आउट करना और होमवर्क होगा वो जो पहले के वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। ओके चलिए बाय।